बहुत ही दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू के वेयर हाउस से आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बताने चले कि एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा जो पेश आया है, जिसके नतीजे में एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ है। काफी ज्यादा ये दुखद भरी खबर है और आप सभी लोगों से कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस पूरे हादसे में जो व्यक्ति घायल हुआ है उसके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। वहीं आपको तस्वीरें जो जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से इस समय की ठीक जम्मू के वेयर हाउस से आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये वो ट्रक है हरियाणा नंबर का, जिसने एक साइकिल पर सवार हैंडीकैप्ड व्यक्ति को जो है वो हिट करा है और जिसके नतीजे में वो जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि वेयर हाउस पुलिस की तरफ से जो है वो इस हादसे में घायल व्यक्ति को जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। और ये हरियाणा नंबर का ट्रक है जिसने एक साइकिल पर सवार व्यक्ति को यहां पर हिट करा है। HR46E5098 नंबर का ये ट्रक जो है कि वेयर हाउस में यहाँ पर इस समय जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है और ट्रक चालक जो है वो भी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन ऐसे में हादसा पेश आने की क्या कुछ वजह है उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों से कहेंगे कि वीडियो को शेयर करें ताकि इसके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। और ये बड़ा हादसा जो है वो अभी अभी जम्मू के बिल्कुल वेयर हाउस मार्केट में यहाँ पर पेश आया है, जिसमें आपको बताने चले कि एक व्यक्ति जो कि हैंडीकैप बताया जा रहा है वो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। और वहीं आपको बताते चलें कि हादसे में घायल व्यक्ति की पहचान जो है वो सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक इस हादसे में घायल व्यक्ति की पहचान सोमनाथ सनाफ शंकर दास जो कि जम्मू के रायपुर सतवारी से जो है वो ताल्लुक रखता है। लेकिन ऐसे में आज ना जाने किसी काम से वो जो है वो यहाँ से निकल रहा था और साइकिल पर वो सवार था, लेकिन ऐसे में ये पीछे जो ट्रक आप देख रहे हैं ये ट्रक ने जो है वो उसे हिट करा है और जिसके नतीजे में ये सोमनाथ नामी व्यक्ति जो कि हैंडीकैप्ड है वो जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे फिलहाल पुलिस की मदद से जो है वो इस समय यहाँ पर GMC जम्मू में रेफर किया गया और वहां पर उसका इलाज जो है वो जारी है। माता रानी के आगे, वाहेगुरु के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि इस हादसे में घायल जो भी व्यक्ति है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सही सलामती से अपने जो है वो घर वापस लौट सके। काफी दुखद है हादसे में घायल व्यक्ति की पहचान जो है वो अब तक सोमनाथ सनाफ शंकर दास जो कि आरओ रायपुर सतवारी से ताल्लुक रखता है उसके बातों इसकी पहचान जो है वो की गई है और जिसे फिलहाल इस समय जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आप सभी लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो उसका हाल जानने के लिए GMC जम्मू में पहुंच सके। और सल्यूट करना होगा वेयर हाउस की पूरी पुलिस की टीम को और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्हें भी, कि जिन्होंने फौरी तौर पर जो है वो जैसे ही हादसा यहाँ पर पेश आया तो उसके बाद इस ट्रक को भी जो है पकड़ लिया है और साथ साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार करके अब आगे की जांच जो है वो की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा पेश आने के पीछे के क्या कुछ वजूहत हैं। लेकिन वीडियो को शेयर करें ताकि ये व्यक्ति के इसके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि काफी दुखद रहता है जब इस तरह के सड़क हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें जम्मू के रायपुर सतवारी से ताल्लुक रखने वाले सोमनाथ सनाफ शंकर दास जो है वो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें फिलहाल इस समय जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। हरियाणा नंबर का ये ट्रक है और जिसकी वजह से आज जो है वो यहाँ पर एक साइकिल को इस ट्रक ने हिट कराया। HR46E5098 नंबर का ये ट्रक है जिसे फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर पकड़ लिया है और अब उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में जारी है। लेकिन माता रानी के आगे दुआ करें कि जो भी व्यक्ति इस पूरे हादसे में घायल हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सही सलामती से अपने घर वापस लौट सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा और दुआ करें कि वो व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।